जो आज हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज के कारण है। पूरा जो आज कश्मीर का हादसा है, कल जो उत्तराखंड का हादसा था, कुछ साल पहले जो मुंबई का हादसा था, वो सब ये बताते हैं हमें कि इस देश में मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ज्यादा होते जा रहे हैं, और जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट क्लाइमेट चेंज के कारण है। अगर आप खाली सड़क के बारे में सोचेंगे और जंगल के बारे में नहीं सोचेंगे और हिमालय के बारे में नहीं सोचेंगे तब भी गलत है। अगर आप खाली हिमालय के बारे में सोचेंगे और सड़क के नहीं सोचेंगे तब भी गलत है। तो वही सवाल है कि क्या इस सरकार से कोई उम्मीद रख सकते हैं कि वो कोई एक नया तरीका इस्तेमाल करेंगे जहां दोनों चीजों को बचा सकें और जो वो बैलेंस की बात कर सकते हैं वो बैलेंस बना के रख सकें। कश्मीर को अगर देखें हम, श्रीनगर को स्पेशली देखें, तो वहां पे पिछले 100 साल में लेक्स, पॉन्ड्स, जो वेटलैंड्स हैं वहां पे, जिसके कारण कि बारिश का पानी को रोका जा सकता है, ड्रेनेज जिससे कि बारिश के पानी को निकाला जा सकता है, उस पर मैसिव इंक्रोचमेंट हुई है।